वो एक्चुअली एक हम वीडियो बना रहे थे तो वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगा उसकी स्टोरी के लिए। पांच बार ये बंदा मेरे से रीटेक करवा चुका है सिर्फ इसलिए इसको बाइक लाके बार बार मुझे डरा देता है। स्पीड लिमिट आ गया कि ब्रेक मार। सो मैंने बोला स्लो साहब मेरे पाँव के पास तूने ब्रेक मारनी है। वो एक्चुअली एक हम वीडियो बना रहे थे तो वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा उसकी स्टोरी के लिए। अभी खैर एक दो पार्ट तो बन गया हमारी पता चलेगा कैसे पर क्योंकि माँ बड़े वैसे गंदे था। हमें सुबह 5 बजे आना चाहिए था। एक बात बताऊँ सुबह का टाइम ज़्यादा ठीक रहता है ये ना। अभी धूप बहुत है, धूप भी और गर्मी भी अजीब सी है। हब से सारा है वैसे बिल्कुल खाली सेंटर है। भाई अभी चंगे भले स्पीड में है फिर भी पसीने बिल्कुल। खैर आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी है जिसका बहुत ही लोग इंतज़ार करते हैं हर बारी। लेकिन तुमने तो होना नहीं, तुमने खाने पर चले जाना इतना मुझे पता है, लेकिन तुम मिस करोगे वैसे वो टाइम। आज का मैच वैसे बड़ा क्रेज वाला है भाई साहब। जीता तो तब की बात है ना। देखो ये तो गेम है, हार जीत होती रहती है दोनों में से जो भी जीते। खेल रहा है ना मोहम्मद आमिर, खेल रहा है। मोहम्मद आमिर तो अच्छा मुझे वो फेवरेट बॉलर है। लेकिन जो दोनों में से जो भी टीम जीते ये तो गेम होती है, लेकिन मजा आता है मैच देखने में क्योंकि बड़ी टक्कर वाली मैच होता है। टक्कर क्या, पाकिस्तानी टीम इतनी फारिग कर देती है, एक मैच जीत जाए उसके बाद 5 साल अगले जीते, ये किया वो किया, धोखापन कर देते हैं उसके बाद अगले 5 साल कुत्तों वाली होती है, लेकिन फिर 5 साल बाद एक मैच जीते तो फिर उन 5 साल। अच्छा पाके मैच का क्रेज देखे ये बहुत गंदा इंसान है, ये बहुत गंदा आदमी है। क्या मतलब है ना करो, आज हारिस बड़ा जाल साथ फेर रहा है। आखिरी ओवर पे बारे में क्या कहना चाहते हैं? हारिस बैट लग जाए इसमें, क्या कहता है? किसको सपोर्ट कर रहा है? मैं बोलूं पाकिस्तान जीतेगा। बच्ची के पीछे भी उठा के ले तूने क्या किया? किसी और का शीशा उठा के ले ना। अभी मैच के पीछे ब्रेक है क्या? ये देख क्या कह रहा है, इधर में इधर उस पर मैं अभी देखना, मैं ब्रेकअप कराऊंगा, ये करूंगा, ये डाल। तू नहीं करवा सकता, तू नहीं करवा सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ तुझे। मैं मुझे इसका घर का भी पता है, केक का भी पता है, वो केक लेके गया। घर की तरह बता जरा, हां घर की तरह। i9 में i10 लगा ले यहां से, लगा ले यहां से i10। लेकिन रास्ता पता है, लेकिन एड्रेस पता ना मुझे, एड्रेस पता है तेरा। एक आया हमारे पास केक। मैच स्टार्ट हो गया। जानी तुम बड़ा मुस्कुरा रही हो। नहीं नहीं बड़ी अच्छी आ रही है, प्यारा आ रहा है तू। भाभी हमारी कहेंगी ये भी प्यारे लग रहे थे आज वीडियो में।
यार देखो क्या क्या बोल रहे हो। और एक मिनट पहले कौन सी बात है? हमजा मैं कसम से तेरे तीन चार भाभी होगी। नहीं नहीं हमारी तो एक ही भाभी, ये अपलोड भी होनी है फिर ये ना कहीं घर वाले देख के। और सुना ये भी भाभी कैसी हमारी? और सुना भाभी कैसी है? पाकिस्तान जीता कर मेरी तरफ से केएफसी की टीम, जो कभी भी नहीं होनी, बस अब हार गए हैं। इससे बात कर दिया मनोज, बात कर दी थी ना केएफसी मेरी तरफ से, जो होना नहीं था। मैच जीतने के बाद हम निको, मेरा मतलब हारने के बाद हारिस कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने नहीं देखा। 20 minutes later आज का मैच तो बड़ा अच्छा हुआ था, लेकिन हार जीत तो होती रहती है। लेकिन नसीब साहब आपने मिस किया है जो सीन था ना यार, मैं एक्चुअली घर वालों के साथ था, एक बड़ी डिनर। वो तो ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा मैच, दोनों टीम से बड़ा अच्छा खेला है, मतलब टफ टाइम दिया प्रॉपर यार, टफ टाइम दिया। बच्चे भजन जो फर्स्ट वो था ना, क्या कहते हैं आप, 148 का, ये कौन सा है? ओ, चार को फिर मैच है इनका, ये सच है पाकिस्तान इंडिया का कुछ आइडिया है? सुना है कि चार को है, लेकिन खैर बड़ा अच्छा, आज मजा आया देखने। क्या मजा आया? मैं वैसे क्रिकेट उस तरह नहीं देखता, क्रिकेट लवर नहीं हूं मैं, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया के लगते तो पूरी दुनिया देखती है।